दोस्तों नमस्कार, मैं हूँ रजनीश और टेक चैनल में आपका स्वागत करता हूँ। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि कोई भी गाड़ी का अगर नंबर है तो उस नंबर से उस गाड़ी के ओनर का नाम कैसे पता कर सकते हैं और गाड़ी की पूरी इन्फॉर्मेशन कैसे निकाल सकते हैं। देखो बहुत सारे ऐसी वेबसाइट है कि जिस वेबसाइट पर जाके आप उनकी इन्फॉर्मेशन ले सकते हो, लेकिन उस वेबसाइट पर जाके बहुत सारे एड्स और बहुत सारे आपको ऐसे चीज़ें या वेबसाइट मिलेगी कि जल्दी से आपको उस कार की या फिर गाड़ी की इन्फॉर्मेशन वो वेबसाइट नहीं दिखाएगी, और दिखा भी देगी तो पूरा नाम नहीं दिखाती, या फिर उसमें बीच बीच में ऐसा स्टार दिखाता है, मतलब कोई भी नाम है तो उसमें बीच में एक अक्षर गायब करके, उसमें अल्फाबेट गायब करके उसमें स्टार वगैरह दिखाई देता है। तो मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि आपको उस कार की या फिर टू व्हीलर की कन्फर्म इन्फॉर्मेशन कैसे मिलेगी। तो चलो करते हैं शुरू। तो देखो सबसे पहले आपको क्या करना है, एक ऐप डाउनलोड करना है जो कि आपको कार के रिलेटेड बहुत सारे ऐप मिलेंगे, लेकिन उसमें जल्दी से वो नहीं दिखाते या फिर ऐड वगैरह बहुत सारी बातें उसमें रहती है। तो इसमें क्या करना है, आपको एक एको इंश्योरेंस ये ऐप आपको इंस्टॉल करना है, और इंस्टॉल करने के बाद इसे ओपन करना है। जैसे आप ओपन करेंगे तो रजिस्ट्रेशन के लिए ये पूछेगा, और आपको वहाँ से रजिस्टर करना है अपने नंबर से वगैरह, और अपनी कार वगैरह कुछ भी रही तो उसमें आप इंश्योरेंस भी निकाल सकते हैं। तो देखो अभी मैंने ओपन कर लिया है, और इसमें आपको कुछ नहीं करना है, ये जो नीचे मेनू दिखाई दे रहे होम माय पॉलिसीज, तो इसमें डिस्कवर को आप क्लिक करके, आप यहाँ पे देखो कार इन्फॉर्मेशन है तो इसे क्लिक करके, अब ध्यान में रखना, इसे आप क्लिक करेंगे, इसमें आप अगर कोई भी नंबर डालोगे, समझो मैं अभी कोई भी एक रैंडमली नंबर डाल देता हूँ जो कि मुझे भी पता नहीं है, ये नंबर इसमें डाल देता हूँ, तो आप देखेंगे कि यहाँ पे जो गाड़ी है उसकी इन्फॉर्मेशन आ चुकी है। देखो महिंद्रा ऊपर लिख के है, बोलेरो, रजिस्ट्रेशन डेट 2023, और यहाँ पे डीजल, और नाम कुछ ओनर का नाम देखो कुछ इस तरीके से दिखाई देती है, वेबसाइट पे भी ऐसे ही दिखाई देती है जो अलग अलग वेबसाइट रहती है, लेकिन मैं आपको इस ये जो पूरा नाम है ये कैसे देखना है ये आपको बताने वाला हूँ। अभी देखो यहाँ पे तो इस तरीके से दिखाई दे रहा है, ठीक है, तो आपको इसमें नहीं जाना है, ठीक है। तो इसी ऐप में आपको बैक जाके देखो यहाँ पे ना जाते हुए आपको ऊपर की साइड देखो, यहाँ पे अब दो तीन गाड़ियाँ दिखाई दे रही होगी आपको, तो यहाँ पे ऐड व्हीकल करना है। तो मैंने अभी डाली हुई है उसमें रजिस्ट्रेशन नंबर, इसलिए मेरे इसमें ऑलरेडी दो तीन व्हीकल है तो दिखाई दे रही है, लेकिन आपको नहीं दिखेगी, तो आपको ऐड व्हीकल इस पर क्लिक करना है और नंबर डाल देना है। अब मैं वही जो नंबर मैंने डाला था वो नंबर यहाँ पर डाल देता हूँ। अब मुझे भी पता नहीं कि ये किसका है, फिर भी मैं चेक कर लेता हूँ। इसका फ़ायदा ये है दोस्तों कि जब भी आप किसी की गाड़ी लेंगे सेकंड हैंड, तो आप आसानी से उस गाड़ी का पता कर सकते हैं, ठीक है। तो देखो अभी यहाँ पे जैसे मैंने क्लिक किया तो यहाँ पे महिंद्रा बोलेरो करके आ चुकी है गाड़ी, और ये महिंद्रा बोलेरो की ही है, तो इसे कन्फर्म कर लेता हूँ। और कंफर्म करने के बाद देखो यहाँ पे सारी इन्फॉर्मेशन और फास्टैग का जो बैलेंस है उसका 9395, ये भी यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो ये उसके फास्टैग में इतने पैसे अभी है, ठीक है, अब इस तरीके से ये दिखाई देगा। और उसके बाद आपको क्लिक करना है, यहाँ पे ओवरव्यू दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पर क्लिक करना है ओवरव्यू पर, और अब देखो आप व्हीकल नंबर आ चुका है, ये कौन सी कंपनी की गाड़ी है, कौन सा मॉडल है वो भी है, फ्यूल टाइप है, रजिस्ट्रेशन ईयर है, चेसिस नंबर, लास्ट के 5 डिजिट आपको नहीं दिखाई देंगे, इंजन नंबर नहीं दिखाई देगा, बाकी ओनर का जो नेम है वो दिखाई देगा, और इसका इंश्योरेंस कब तक है, ये सारी चीज़ें यहाँ पे मिलेगी। ये कार की भी मिलेगी और टू व्हीलर की भी मिलेगी, सारे इसमें यहाँ पे इंफॉर्मेशन मिल सकती है। और इस तरीके से आप सारे कोई भी गाड़ी रहे तो आप यहाँ पे आसानी से चेक कर सकते हो, और वो गाड़ी देखने के बाद आप यहाँ से डिलीट भी कर सकते हैं। देखो अब मैं यहाँ से रिमूव व्हीकल, मैं अपने अब मैंने ये व्हीकल देख चुका हूँ, तो ये देखने के बाद यहाँ से रिमूव कर सकते हैं। और कोई भी सेकंड हैंड गाड़ी लेने से पहले आप इसमें जाके ज़रूर चेक करना, और फिर ही उसके बाद ही गाड़ी लेना, ठीक है। तो रिमूव कर देता हूँ मैं यहाँ से।
देखो अभी रिमूव हो चुकी है ये गाड़ी। ठीक है दोस्तों, वीडियो कैसे लगा मुझे ज़रूर बताना, और इसी ऐप से आप इंश्योरेंस भी निकाल सकते हो। फिर से एक बार वीडियो देखने के लिए थैंक यू।